अपना सुख त्याग करके तू अपने पति बाबू और अपने परिवार को आने वाले दुखों से बचा सकती है, या तू अपने पति बाबू की जान नहीं बचाना चाहती? संपूर्णा माँ, बोनिता से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, अकेले में। हाँ, आप दोनों आराम से बैठ के बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ बोनिता, तुम मेरा कुछ लौटाना भूल गई हो। मैं क्या भूली हूँ? मेरा रुमाल। आपका रुमाल रख लूं? तो कर दे दूंगी मैं, वरना क्या होता है? वरना पति पत्नी में झगड़ा होता है। पता है, अब मुझे भी यही लगने लगा है कि क्योंकि तुमने मेरा रुमाल मुझे नहीं लौटाया, इसीलिए झगड़ा हो रहा है हमारे बीच में। वो तो मैंने धोकर इस्त्री करके अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दिया। मिल गया बोंदता, अब तो रुमाल भी लौटा दिया है तुमने, झगड़े का कोई कारण ही नहीं, तो दोस्ती करने। बोंदता, सफेद फूल लाया हूँ तुम्हारे लिए, जानती हो सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। ये जो रिश्ते होते हैं ना, इन्हें बनाना बहुत आसान होता है, पर इन रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। फूल किताब पर रख रहा हूं। रुमाल लेकर जाना। ये पर्दा इस बार तो और ज्यादा फटा हुआ है। मैं चलता हूं बोंदता। तो कामा अभी श्राप वापस लेकर सब ठीक कर देना। झगड़ा खत्म हुआ और देखो सच में सब अच्छा हो गया। बहुरानी जी, आपको बड़े मालिक ने सरस्वती पूजा में तैयार होकर आने के लिए कहा है। मुझे पता है, काका ससुर जी भी आपके साथ आए हैं मारे बाबू, और वही कह रहे हैं ना पीछे से आपको ये सब बताने के लिए, तो मेरा उत्तर भी दे दो आप उनको, कहना कि आ रही है आपकी बोंदता बहू, और वैसे ही जैसे वो चाहते हैं। नहीं कहा था हमने है? कि हमारी बोंदता बहू हमेशा खरी उतरेगी हमारी आशाओं पे है। बहुरानी जी, आपके काका ससुर जी आपके लिए नई रेशमी साड़ी और गहने भिजवाएंगे, आप उसी को पहन करके सरस्वती पूजा में आ जाइएगा। ऐसा कभी हुआ है क्या कि बोंदता बहू ने कभी बात न मानी आपके काका ससुर जी की? चल भारी। देखे मालिक, आप हमें भारी मत बोलिए, भले ही आप हमें गधा, उल्लू का
मतलब उल्लू बोल लीजिए पर हरी मत बोलिए। क्यों? तुम्हारी शान घटती है। शान घटती नहीं, शान बढ़ती ही है, पर जब बोंदिता बहुरानी जी बोलती हैं तब हम आपको साफ साफ कह देते हैं बड़े मालिक, ए भारी बाबू सिर्फ बोंदिता बहुरानी जी ही बोलेंगी, आप भी नहीं। मैं आपको हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, चल गधे, चल चल चल। बोंदिता की माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू, और मैं बहुत खुश हूँ जैसे ही आपने बोंदिता को सफेद फूल देकर दोस्ती की वैसे ही सब अच्छा हो गया। भाग गई उसकी बुरी बीमारी, इसीलिए बोंदिता ने सोचा है कि वो भी अपने पति बाबू के रास्ते पे ही चलेगी और आज सरस्वती पूजा के बाद खूब सारी पढ़ाई करेगी आपके साथ। और पिछले 3-4 दिनों में पढ़ाई का जितना नुकसान हुआ है सबकी भरपाई करेगी बोंदिता, और ये वादा है आपकी बोंदिता का। इधर तो आरती की थाली। ये क्या कर रहे आप? अगर सरस्वती माँ की आरती नहीं हुई तो रॉय चौधरी के मान को ठेस नहीं पहुँचेगी। हमारी बहू के होते हुए रॉय चौधरियों के मान सम्मान को कभी ठेस पहुँच सकती है क्या? कभी नहीं। तुम चिंता मत करो, सरस्वती माँ की पूजा करने आ रही है हमारी गृहलक्ष्मी, हमारी बहू बोंदिता। ठीक है, वो उसने हमसे खुद कहा है कि वो पूजा करेगी। क्या क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं? ठीक नहीं लग रहा? एक काम करो, जाके तुम अपने कमरे में आराम करो। हाँ बहू आ जाओ जल्दी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे बहू ये क्या, वो सब हमने जो गहने कपड़े दिए थे वो क्यों नहीं पहने? ये तो गलत बात। अच्छा ठीक ठीक, इस समय सवाल जवाब नहीं करते हैं, अभी तो आरती का समय है और घर की लक्ष्मी का ही इंतजार हो रहा था, तो चलो आओ, देर किस बात की, लो। कोई चाहे कितना भी कहता रहे, ये चाबी किसी के हाथ में मत देना। ये क्या कर रही हो? ये चाबी यहाँ क्यों रखती? काका ससुर जी, मैं ये पूजा नहीं कर सकती। और ना ही घर की जिम्मेदारियों की चाबी रख सकती हूँ अपने पास। ये क्या कह रही हो बहू? नहीं,
तो कमा के सामने उनके चरणों में कसम खाई है कि तुम इन चाबियों को खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखोगी। नहीं दूंगी किसी को भी काका ससुर जी, लेती हूँ प्रण। हाँ लिया तो था मैंने प्रण, पर अब तो कमा खुद ही नहीं चाहती है कि ये जिम्मेदारी उठाऊ मैं, इसीलिए लौटा रही हूँ मैं ये चाबी आपको काका ससुर जी। ऐसा ऐसा क्या हो गया बहू, क्यों कह रही हो तुम ऐसा? कल तो सिर्फ हल्की सी चोट आई थी तेरे पति बाबू को, पर आज तो न जाने क्या हो जाता। क्यों कर रही है बंदिता ऐसा? क्या तुझे अपने पति बाबू की जान की फिक्र नहीं है? अगर पंखा अनिरुद्ध बाबू पे गिर जाता तो? नहीं संपूर्णा माँ, पति बाबू को कुछ ऐसा सोच भी सकती हूँ क्या मैं? तो सरस्वती पूजा के लिए हाँ कैसे कह दिया तुमने? मेरा कहा समझाया सब भूल गयी? मैंने तो हाँ इसीलिए कहा था क्योंकि बीमारी ठीक हो गई है मेरी, भी खून के निशान नहीं थे आज। तेरी बीमारी इसीलिए ठीक हुई क्योंकि मैंने दुर्गा माँ की पूजा की। बलिदान तुझे देना था अपना श्राप दूर करने के लिए, पर बलिदान मैंने दिया है क्योंकि तेरा मन तो आज भी गहने रेशमी साड़ियों में लगा पड़ा है। देखा ना उसका परिणाम, पंखा गिरने वाला था तेरे पति बाबू पे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना साड़ियाँ। बाबू से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, और आपने जो भी वादा किया दुर्गा माँ से उस हर चीज का बलिदान दे दूंगी मैं। हर चीज का? मुझे नहीं लगता कि तू हर चीज का बलिदान दे पाएगी। ये दीजिए तिजोरी की चाबियां, ये भी नहीं चाहिए मुझे। शाबाश बोंदिता, बहुत अच्छा कर रही है तू। पर बोंदिता, बलिदान का वादा तूने दुर्गा माँ से किया है ना, तो ये चाबियां तू दुर्गा माँ के सामने ही देना मुझे। बहू, तुम घर के बहू हो, लक्ष्मी हो, ये पूजा करना कर्तव्य है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, चलो हमारे सम्मान के लिए नहीं नज़र, पर वह चौधरी खानदान की प्रतिष्ठा उसके सम्मान के लिए तो करो ये पूजा। घर की बहू गृहलक्ष्मी संपूर्णा माँ भी तो है ना, रिश्ते अहदे में पड़ गए हैं मुझसे, तो सरस्वती पूजा इन्हें करनी चाहिए। घर का मान घर की बड़ी बहू रखेगी तो क्या कुछ गलत है इसमें? नहीं, इसे कीमत पे संपूर्ण नहीं कर सकती आरती। काका काका एक मिनट, आप क्यों चाहते हैं कि संपूर्णा माँ ये पूजा ना करें? बोंदिता ने खुद कहा ना, संपूर्णा माँ इस घर की बड़ी बहू हैं, बोंदिता से बड़ी हैं, तो क्यों नहीं कर सकती पूजा? अरे भाई, रॉय चौधरी के घर में क्या इस तरह से माँ सरस्वती का अपमान होगा? आरती के लिए इंतजार हो रहा है, क्या मुहूर्त पे सरस्वती पूजा किए बगैर ही माता रॉय चौधरी हवेली से चली जाएगी? इससे रॉय चौधरियों का नाम खराब नहीं होगा, कालिक नहीं लगेगी खानदान के नाम पर? रॉय चौधरियों के घर में क्या अब किसी को धर्म कर्म का मान भी नहीं रहा? पूरे दिन में आज यही शुभ मुहूर्त है देवी पूजा का, तुम लोग सब यही चाहते हो ना
कि संपूर्णा पूजा करे तो ठीक है, ये लो, लो करो पूजा। क्या हुआ, चेहरे का रंग क्यों उतर गया? सब ठीक तो है? इसलिए तो नहीं क्योंकि हमने चाबियां ले ली? नहीं, बिल्कुल सही, नहीं। ये चाबियां हमारे रहते हुए तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। काका ये कैसी जिद कर रहे हैं आप? यहाँ किसी और को कोई समस्या नहीं तो आप इसे अपनी नाक का सवाल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये नाक हमारी नहीं, रॉय चौधरी खानदान की है, और हम अपने जीते जी अपने खानदान की नाक कटने देंगे क्या? और हाँ, अगर भूल गए हैं सब तो याद कर लो कि ये घर हमारा है, और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि इस घर की भलाई किसमें है। हमारे जीते जी ये चाबियां नहीं मिलेंगी संपूर्णा को, कभी नहीं मिलेंगी। अगर बोंदिता बहू नहीं रखना चाहती चाबियां तो कोई बात नहीं, जैसे बहू के आने से पहले हम ख्याल रखते थे चाबियों का घर का, वैसे ही हम रखेंगे। जी मालिक, कह दो इस लड़की से कि काका ससुर जी ना बुलाए हमें। उठ गए हैं दिल के रिश्ते, आज से सिर्फ हमारा हमारा गौरव, हमारी आशाएं ही नहीं टूटी हैं, हमारा रिश्ता भी टूट गया है इससे। बहू पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी ना। जाओ और जाके घर वापस आओ। शक्ति आ, खूब बालो, खूब बालो। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है ना, ऐसे ही अगर रिश्ते से मान सम्मान मिट जाए तो रिश्ते भी मर जाते हैं। और मरे हुए रिश्तों को जला दिया जाता है, कंधे पे ढोते नहीं है। कह दो सबसे हम इस घर में ना कोई बहू है हमारी, और ना ही हम किसी के काका ससुर। काका,
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.